मैंने इस सीरीज को डरते डरते देखने की सोची, क्योंकि यार तुम्हें भारतीय एंटरटेनमेंट का तो पता है, वो कंटेंट के नाम पे आप लोगों को प्रोपेगेंडा चेप देते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा नक्सलवाड़ी वेब सीरीज के बारे में, जिसे G5 पर रिलीज किया गया है और इसे डायरेक्ट किया पार्थो मित्रों ने। महाराष्ट्र के जो नक्सल है उसके ऊपर आधारित ये एक सीरीज है, जिसमें जो पुलिस और नक्सलियों के बीच में इसमें लड़ाई दिखाई गई है, और इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके अंदर पॉलिटिक्स और मिर्च मसाला डाला गया है। महाराष्ट्र का एक पुलिस ऑफिसर राघव, जो एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ में कार्यरत है, वहां पर वो क्या करता है कि नक्सलियों को खत्म करने का उसका काम होता है, और इधर जो नक्सली हैं वो जंगल में रहते हैं और वो अपना एक प्लान बना रहे हैं ताकि पूरी दुनिया, या पूरी दुनिया छोड़ो, पूरे देश के अंदर एक क्रांति ला सके। कमाल की बात है ना, मतलब हथियारों के दम पे क्रांति लाई जा रही है। और साथ ही साथ इसमें ये भी दिखाया गया कि कैसे नक्सली गांव वालों का यूज करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके उनको उकसाया जाता है ताकि वो लोगों को मार सके, और इसके अंदर ही कैसे जो लोग हैं वो मतलब टीवी के ऊपर डिबेट करते हैं नक्सलियों को डिफेंड करते हैं कि वो बहुत सही हैं और सरकार उनके साथ गलत कर रही है, ऐसी डिबेट करते भी दिखाया गया, और उनको जो ये डिफेंड कर रहे हैं नक्सलियों को, उनको एंटी नेशनल एक जो प्रख्यात टाइटल है वो उनको दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से यार ये चीज दिखाने की क्या जरूरत थी, चलो ठीक है तुम लोगों ने ये चीज दिखा भी दी। और बाद में एक चीज जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो ये कि जो ये जो डिफेंड कर रहे थे नक्सलियों को, वो बाद में नक्सलियों का ही फायदा, मतलब इनको ही धोखा देकर अपना ही फायदा वो कर रहे होते हैं। राघव को नक्सलियों का एक राज का पता चलता है, वो इनको रोकने की कोशिश करता है। देखो कुछ चीजें मुझे इस सीरीज के अंदर काफी ज्यादा पसंद आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे इस सीरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसके अंदर बहुत ज्यादा ट्विस्ट डाले गए, जिसको देखकर लगता है कि हाँ इसमें काम किया गया है, दिल से काम किया गया है, बट कहीं ना कहीं वो जो ट्विस्ट है वो कमजोर है, हम उनको प्रेडिक्ट कर जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस सीरीज को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही थी, कौन सस्पेक्ट है। ना 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 ना, मुझे नहीं बताना है कि वो कौन है क्या है, ये तो आप लोगों को तभी पता चलेगा जब आप लोग ये सीरीज देखोगे। मुझे कोई गाली खाने का शौक नहीं है। अब अगर बात करूं उसके बैकग्राउंड साउंड की, यार वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, काफी जगह जगह लगा कि हाँ यार इसमें अच्छा किया गया है। बट वही चीज होती है ना, बंदर के हाथ में बंदूक या लंगूर के हाथ में बंदूक, जो भी चीजें हैं ऐसे समझो यार, इसके अंदर सस्पेंस वाला साउंड या फिर सीरियस साउंड या एक्साइटमेंट का साउंड, जो भी बैकग्राउंड में साउंड डालना होता है, वो समझो कि मेकर्स को कहा गया कि ये लो भैया ये साउंड है और आप इसका यूज करो, और मेकर ने सस्पेंस वाला साउंड हर एक सीन में पेल दिया, जहां जहां सस्पेंस भी नहीं है वहां पर उस चीज को पेल दिया। मतलब उसका गलत यूज किया गया ना, मतलब यार तुम बैकग्राउंड का साउंड तुम सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाओ ना यार, थोड़ा इरिटेटिंग लगता है अगर उसको कहीं और ही तुम यूज कर रहे हो। और अगर बात चली पड़ी है साउंड की, तो मैं अगर इसकी बात करूं जो डायलॉग जो इसकी वॉइस ओवर की गई है, मतलब जो आर्टिस्ट ने जो डायलॉग बोले हैं, आपको वो लगेगा कि जो वॉइस है और जो लिपसिंग है वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही है। मतलब थोड़ा सा वही एक चीप सा एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अगर आप इस सीरीज के लास्ट के दो ही एपिसोड देख लो ना, तो पूरी की पूरी ये सीरीज समझ आ जाएगी, और मैं ये कहूंगा कि आप बोर भी ज्यादा नहीं होगे। कैमरा वर्क मुझे इस सीरीज में काफी ज्यादा पसंद आया। फिर वही बात आती है ना कि काफी सारी चीजें इसके अंदर अच्छी थी, इस सीरीज को बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन यार कुछ चीजों ने इसका मजा किरकिरा कर दिया। परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस हर एक कलाकार ने अपनी ईमानदारी से इसके अंदर काम किया, बट वही कमजोर स्टोरी या फिर कहें कि जो साउंड इफेक्ट है या जो भी बैकग्राउंड का जो साउंड है, वॉइस ओवर है, वो कुछ चीजें जो थी इसके अंदर कमजोरी थी, जिसके अंदर ये जो सीरीज है अपना इंटरेस्ट खो देती है। बट इसमें एक खुशी की बात ये है कि यार देखो इसके अंदर कुछ प्रोपोगेंडा देखने को नहीं मिला, कुछ एक जगह हाँ हम थोड़ा सा उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट इसके अंदर कोई ना ही तो एडल्ट सीन इसमें था। हाँ गाली तो है इसके अंदर, ऑब्वियसली वो तो चीजें कंपल्सरी है ना आज की सीरीज, आज की डेट में जो भी भारतीय कंटेंट है उसको ये समझो कि उसमें अगर आपने गाली डाली नहीं तो यार मतलब वो फीकी है, बेस्वाद है, वो मेडेंट्री होगी आज की डेट में। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यार ये सीरीज जो है वो आप एक ही बार झेल सकते हो, दूसरी बार आप इसको देखने की भी नहीं सोचोगे। मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना चाहूंगा 4.5 आउट ऑफ 10 सर। अगर किसी ने सीरीज देख रखी है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों को कैसी लगी, और अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं कि वन टाइम वॉच है, देख लो आप लोगों का अगर मन है तो, बाकी कोई धक्का भी नहीं है। तो खैर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।